हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, आज बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के सबसे बड़े डॉन, जिसका पूर्वांचल के तकरीबन दर्जन भर से भी ज्यादा जिलों पर एक छत्र राज माना जाता रहा है, उस मुख्तार अंसारी के। मुख्तार अंसारी को अप्रैल जो कि समय गिरफ्तार है और अब वो सजा याफ्ता भी बन चुका है, पहली बार सजा याफ्ता हुआ है, जबकि उसका आपराधिक इतिहास 3 दशक से भी ज्यादा पुराना है। वो मुख्तार अंसारी अप्रैल में बांदा जेल लाया गया और जिस समय उसे बांदा जेल लाया गया था उस समय प्रमोद त्रिपाठी बांदा जेल के जेलर हुआ करते थे। मुख्तार अंसारी के बांदा जेल लाए जाने के तुरंत बाद ही उन्होंने बीमारी का हवाला दे करके और छुट्टी ले ली, और छुट्टी पर जब हो गए तो उसके बाद फिर दोबारा लौटकर वो अपना उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उनके बाद एके सिंह आए और उन्होंने भी किसी तरह से 4 महीने का समय काटा, लेकिन वो भी बीमारी का हवाला दे करके वो उन्होंने भी छुट्टी ले ली और वो भी चले गए और फिर वापस लौट करके उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया। तब से लेकर के अभी तक बांदा जेल का, जहां पर कि मुख्तार अंसारी अप्रैल से बंद है, अभी तक किसी भी जेलर ने पूर्णकालिक जेलर के तौर पे वहां का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और प्रभारी जेलर के हवाले ही वहां का कार्यभार चल रहा है। वजह है उस जेल में मुख्तार अंसारी का बंद होना। मुख्तार अंसारी का, जैसा कि हमने आपको बताया, आपराधिक इतिहास 3 दशक से भी ज्यादा पुराना है। सन 1986 के आसपास माना जाता है कि मुख्तार अंसारी का आपराधिक दुनिया में पदार्पण हुआ था और तब से लेकर के अब तक उसके ऊपर 50 से भी अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन किसी भी मामले में आज तक सजा नहीं हो सकी। जबकि जिन मामलों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ केसेस दर्ज हैं वे काफी गंभीर प्रकृति के हैं। इनमें एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला है जो कि 2005 की घटना है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंद किशोर रूंगटा, जो कोयला के एक बहुत बड़े व्यापारी भी हुआ करते थे, 1998 में उनका अपहरण होता है। उनके परिवार से माना जाता है कि 3 से 5 करोड़ के बीच की फिरौती भी वसूली गई और रूंगटा का शव आज तक बरामद नहीं हो सका। और मुख्तार अंसारी इस मामले में भी वांछित रहा है, मुख्तार अंसारी के ऊपर इसके मामले में भी केस चलता रहा, लेकिन कोई सजा नहीं हो सकी। ये मुख्तार अंसारी के रसूख का आलम है। लेकिन अब दोस्तों, हम आपको कहानी सुना रहे हैं कि पिछले 35 वर्षों में पहली बार मुख्तार अंसारी को इसी साल 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। तो वो मामला क्या है, तो उसका वो मामला भी मुख्तार अंसारी के जेल के अंदर की दबंगई से ही संबंधित वो मामला है, जब मुख्तार अंसारी ने एक जेलर के ऊपर जेल के अंदर ही पिस्टल निकाल करके उनकी कनपट्टी पे टान कर कहा था कि तुम जेल के बाहर निकलो तो तुम्हारा काम तमाम करते हैं, क्योंकि उन जेलर ने जेल मैनुअल को सख्ती से लागू करने का प्रयास किया था और मुख्तार अंसारी के लोगों को हथियार समेत जेल में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की थी और इसकी वजह से मुख्तार अंसारी का तेवर चढ़ गया। बात 2003 की है। उस समय मुख्तार अंसारी विधायक हुआ करते थे मऊ सदर सीट से और उन्हें विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए लखनऊ जेल लाया गया था, क्योंकि वो पहले से ही कई एक मामलों में जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब विधानसभा का सत्र आयोजित हुआ तो उसमें भाग लेने के लिए मुख्तार अंसारी जो कि अंडर ट्रायल थे उनको शिफ्ट किया गया लखनऊ जेल में, और वहां के जो जेलर थे उनका नाम था मिस्टर एस के अवस्थी दबंग मुजरिमों के साथ या कैदियों के साथ सख्ती से पेश आने के लिए काफी मशहूर माने जाते थे। दूसरी ओर मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में अब खुद तो रहते ही थे, साथ ही साथ अपने साथ कई
अपने गुर्गों को भी वहां रखते थे और जेल में उनको तमाम तरह की सुविधाएं भी कहीं ना कहीं से मुहैया हो जाया करती थी। तो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के कई सारे लोग मुख्तार अंसारी के आसपास होते थे और वो लोग जेल प्रशासन से छुपाकर फोन और कई हथियार का इस्तेमाल भी वहां पर किया करते थे, माने अपने पास रखते थे और जेल पर काफी ज्यादा उनका दबदबा रहा करता था। एक बार की बात है कि मुख्तार अंसारी के साथ मुलाकात करने के लिए कई सारे लोग जेल आए और उन लोगों का जो भी मुख्तार अंसारी के मुलाकाती होते थे, जो भी उनसे मुलाकात करने आते थे, उन लोगों का यह दबाव होता था कि जेल प्रशासन उनकी चेकिंग न करे, उनकी फ्रिस्किंग न करे, और इसी दबाव के साथ वो लोग जेल में घुसने का प्रयास करते थे। और इसके पहले दूसरे जेल में जहां पर थे शायद वहां पर ऐसा होता भी होगा, लेकिन एसके अवस्थी एक अलग ही मिट्टी के बने हुए अधिकारी थे। तो एसके अवस्थी ने ये सूचना प्राप्त होते ही कि उनके साथ कोई भी अगर मिलने आता है तो उसकी पूरी जांच की जाए और इस बात की तसल्ली कर ली जाए कि जो भी मुलाकाती है उसके पास कोई गैर कानूनी हथियार तो नहीं है, किसी भी तरह का हथियार तो नहीं है। तो एक बार की बात है कि मुख्तार अंसारी के कुछ मुलाकाती हथियार बंद होकर के और उनसे मिलने जेल में आए, और जब वो लोग जेल में आए तो जेल के अंदर वो लोग हथियार लेकर प्रवेश कर गए, जिस पर एसके अवस्थी जो जेलर थे वे काफी खफा हुए और उन्होंने सख्ती से सभी लोगों के जांच की बात कही अपने कर्मचारियों से और उनके हथियारों को जब्त करने की बात कही और कार्रवाई करने की भी उन्होंने कोशिश की। इस पर मुख्तार अंसारी को जैसे ही इस बात की भनक लगी, मुख्तार अंसारी सीधे सीधे जेलर के पास पहुंचा और उसने अपने उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति का पिस्टल लेकर के और एसके अवस्थी की कनपट्टी पर उसने सटा दिया और सटा कर कहा कि निकलो बाहर, तुम बाहर निकलो तो हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, जो कि एक जेलर के लिए कतई नागवार गुजरने वाली घटना थी। इसके बाद वहां जो मुख्तार अंसारी के लोग थे उन लोगों ने किसी तरह समझा बुझा करके मुख्तार अंसारी को उसके बैरक में भेज दिया और एसके अवस्थी ने इस बात की सूचना अपने आला अधिकारियों को बताई। तो उनके जो आला अधिकारी थे उनको ये पता था कि मुख्तार अंसारी को शासन में प्रशासन में काफी गहराई से संरक्षण उस जमाने में मिला हुआ था, तो इसकी वजह से मुख्तार अंसारी जो था उसे काफी इस बात की छूट मिली हुई थी कि वह अपने तौर तरीकों के साथ जेल के अंदर रह सके। तो मुख्तार अंसारी को किसी तरीके से खैर भेज दिया गया उसके बैरक में और आला अधिकारियों ने एसके अवस्थी जेलर के ऊपर ये दबाव डाला कि वो इस बात को ज्यादा न बढ़ाए, जबकि एसके अवस्थी इस बात पर अड़े हुए थे, तुले हुए थे कि वे अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों के तमाम दबावों के बावजूद आलमबाग थाने में, लखनऊ के आलमबाग थाने में एसके अवस्थी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ही दिया और इसके बाद एडीजे कोर्ट में यानी निचली अदालत में यह मामला काफी लंबे समय तक धीरे धीरे मंथर गति से चलता रहा, क्योंकि जिस समय यह घटना थी उस समय लगभग मायावती की सरकार रही होगी और उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार 2007 तक रही, फिर 2007 से 12 फिर मायावती मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद 12 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार रही और इन सरकारों के दौरान मुख्तार अंसारी ने कई बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया, जिसमें कि एक विधायक को अंधाधुंध गोलियों के साथ गोलियां से दाग कर मारने का मामला भी इसी दौर का है। तो खैर मुख्तार अंसारी को सरकारों का जो संरक्षण माना जाता था, इसकी वजह से ये जो मामला था तेजी से आगे नहीं बढ़ सका, सरकार ने इस मामले को तेजी से आगे नहीं बढ़ाया और ये केस कई कई वर्षों तक चलता रहा। कहते हैं कि 2007 में मुख्तार अंसारी उस समय अपने गृह जनपद यानी अपने गृह जिला गाजीपुर के जेल में बंद था, तो जब वहां पर एसके अवस्थी का जेलर के तौर पे तबादला हुआ
तो मुख्तार अंसारी को वहां से शिफ्ट करके आगरा जेल भेज दिया गया। और एसके अवस्थी ने देखा कि गाजीपुर जेल के अंदर मुख्तार अंसारी के लिए कई सारी सुविधाएं बनी हुई हैं, मछली पकड़ने के लिए तालाब उनके लिए खोदा गया है और बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है और जिले के बड़े बड़े अधिकारी डीएमएसपी उनके साथ बैडमिंटन खेलने आया करते थे जेल के अंदर। तो एक तरह से राजसी ठाट बाट के साथ मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में रहा करते थे, जबकि वहां से अब उनको शिफ्ट करके आगरा भेज दिया गया था 2007 में, और 2007 से वहां के जेलर रहे एसके अवस्थी, वही एसके अवस्थी जिनके ऊपर 2003 में मुख्तार अंसारी ने लखनऊ जेल में पिस्टल तान दिया था। एसके अवस्थी ने जेल के अंदर चल रही इस तरह की अनियमितता का एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करके, रिपोर्ट तैयार करके फाइल सरकार की निगरानी में भेज दिया, यानी सरकार की नजर में उन्होंने इन सभी बातों को उद्घाटित किया। बावजूद इसके अंसारी के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद मुख्तार अंसारी एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट होता रहा और एसके अवस्थी का भी तबादला एक जेल से दूसरे जेल होता रहा। आखिरकार 2014 में एसके अवस्थी अपने पद से लगभग 37-38 वर्षों के ड्यूटी के दौरान के पश्चात, सेवा के पश्चात रिटायर्ड हो गए। रिटायर होने के बाद मुख्तार अंसारी ने बड़ी ही चालाकी से एक बार फिर से इस मामले में एसके अवस्थी को, यानी जेलर, रिटायर्ड जेलर हो चुके थे वो, उनको फिर से अदालत में गवाही के लिए या बयान दर्ज कराने के लिए बुलवाने का आवेदन दिया, जिसे मान लिया गया। और इस बार एसके अवस्थी रिटायर हो चुके थे तो उन्होंने अपने 2003 के बयान पर कायम नहीं रह सके और इस तरीके से अदालत में जो उन्होंने बयान दर्ज कराया उसमें और उनके मूल बयान में अंतर पाया गया और इसके बाद केस और ज्यादा कमजोर हुआ। और हालांकि 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो चुका था और अब समाजवादी पार्टी की के बजाय योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री बन चुके थे, जिन्होंने कि एक तरह से अपराध के खिलाफ क्रूसेड छेड़ा हुआ है, धर्मयुद्ध छेड़ा हुआ है कि अपराध को हर तरह से राज्य की भूमि से उखाड़ फेंकेंगे। तो इस वजह से ऐसा होता है कि एसके अवस्थी के अपने बयान पर कायम नहीं रहने की वजह से मुख्तार अंसारी को इस मामले में 2020 में निचली अदालत के द्वारा बरी कर दिया जाता है और जो सरकारी वकील इस मामले को देख रहे थे, उसकी निगरानी कर रहे थे, उनका नाम था मुनीश यादव। तो मुनीश यादव ने सरकार को इस बात की सलाह दी कि ये केस अब आगे अपील के लायक नहीं है, तो उस केस को वही ड्रॉप करने की बात हुई। लेकिन मीडिया में इस केस के सरकार के द्वारा, सरकार की ओर से हार जाने के बाद और मुख्तार अंसारी के जीतने के बाद सरकार की बड़ी आलोचना होने लगी और इस बारे में खुद मुख्यमंत्री को पूर्ण जानकारी जब मिली तो मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया और उसके लखनऊ खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई होने लगी और इस मामले को एक्सपीडिट किया गया, इसको तेज किया गया और आखिरकार सितंबर 2022 में सबसे पहले तो पुराने सरकारी वकील को हटाया गया, एक्सपर्ट वकीलों को लगाया गया, गृह विभाग और सभी एजेंसियों ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम किया और आखिरकार एसके अवस्थी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एसके अवस्थी ने जो मूल बयान दर्ज कराया था, अगर वो उस बयान से आगे चल के पलट भी जाते हैं तो भी पुराने बयान की या मूल बयान की अहमियत बरकरार होती है और उसी के आधार पर अदालत ने सितंबर 2022 में मुख्तार अंसारी को 7 साल की पहली बार, इतने वर्षों के बाद मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई और साथ ही साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया। तो दोस्तों, मुख्तार अंसारी का जेल में जो दबंगई का इतिहास रहा है ये उसकी एक बानगी है और मुख्तार अंसारी का जेल के अंदर जो एटीट्यूड रहा है, मुख्तार अंसारी का जेल के अंदर जो धाक रही है, उसके कारण 2003 से जो मुकदमा चला उसकी परिणति अब जाकर के हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से
कि उनको 7 वर्ष की सजा मिली है मुख्तार अंसारी को और अब वो सजा याफ्ता हो चुके हैं। तो ये है मुख्तार अंसारी का पूरा मामला एसके अवस्थी जेलर एसके अवस्थी के साथ। और अभी की स्थिति यह है कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में है, लेकिन वहां पर जब से उनको लाया गया है तब से हर कुछ महीने के बाद जेलर शुरुआत में बदलते रहे और वे बीमारी का हवाला दे करके और जेल से छुट्टी लेकर चले जाते, फिर वापस आकर के वो अपनी ड्यूटी कभी ज्वाइन नहीं करते। और आखिरकार ऐसी स्थिति बन गई है अब कि वहां पर अब पूर्णकालिक नहीं बल्कि प्रभारी जेलर के हाथों बांदा जेल की कमान है। और अब आपसे होती है मुलाकात अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।